Hey there guys, welcome back to the new video. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नर्स जॉय एंड ऑफिसर जेनी के पोकेमॉन्स के बारे में। तुमने गौर किया होगा कि नर्स जॉय हमेशा अपने पास चैंसी रखा करती है, बट यार उसने कालोस रीजन में अपने साथ विग्लेटफ रखना क्यों प्रेफर किया, राइट? और तुमने देखा होगा कि उसने ऑर्डिनो भी एक बार यूज़ किया था लोला में, यूनोवा में, बट वो अलग केस है क्योंकि वहाँ चैंसी नहीं मिलती, बट कालोस में चैंसी मिलती है। उसके बावजूद उसने विग्लेटफ क्यों प्रेफर किया, ये हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ साथ हम लोग जेनी के बारे में भी देखेंगे कि उसने मैनेट्रिक क्यों प्रेफर किया आर्कनाइन को छोड़ के। ऐसा क्या रीज़न था जो कि इन दोनों ने मिलकर अपने अपने पोकेमॉन को स्विच कर लिया। जेनी अब आर्कनाइन यूज़ करती है एंड नर्स जो है अब विग्लेटफ। तो क्या ऐसे रीजंस रहे थे? एंड लेट मी टेल यू यार, बहुत स्पेशल रीजन है खासकर विग्लेटफ का। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जिसके बेसिस पे हम लोग आज की इस वीडियो को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चैंसी और जो अपना आर्कनाइन है, ऐसे क्या रीजंस थे जिनके कारण विग्लेटफ और मैं कहूँगा मैनेट्रिक को उसकी जगह ले ली, और जेनी और ऑफिसर ने उनको क्यों प्रेफर किया। क्या इसके पीछे कोई स्पेशल केसेस थे या फिर ऐसा कोई स्टोरी है खासकर पीछे जिसके कारण उन्होंने ऐसा कुछ किया, ठीक है? लेट मी गिव यू अ बेसिक हिंट कि हाँ, विग्लेटफ के पीछे एक कमाल की स्टोरी है जिसके कारण कालोस रीजन में तुम गौर करोगे जितनी भी नर्स जो है सिवाय एक को छोड़ के वो सारी विग्लेटफ रखती है। मैनेट्रिक के साथ ऐसा कोई खास स्टोरी लाइन तो नहीं है, बट हाँ तब भी उसका केस काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो हम लोग एक स्टोरी विग्लेटफ से जुड़ी एंड एक स्पेशल केस जो कि मैनेट्रिक से जुड़ी है जिसके कारण वो आर्कनाइन से रिप्लेस हुआ, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोनों ही पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है अपने अपने जगह पे। तो चलो देखते हैं यार वो कौन से पॉइंट्स होने वाले हैं। सो या लेट स्टार्ट विद चैंसी के साथ, ठीक है, कि चैंसी को क्यों विग्लेटफ के साथ स्विच कर दिया गया। तो मैं तुम लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कालोस रीजन की, तो ध्यान से सुनना, तुम्हें काफ़ी मजा आएगा। देखो यार, तुम लोग को ये तो पता होगा डिफरेंट रीजन में जो अपनी नर्स जो है वो हमेशा चैंसी प्रेफर करती है एक्सेप्ट अलोला, क्योंकि वहाँ पे चैंसी नहीं मिलती। तो अब देखो यार, कालोस में ना तुम्हें पता होगा कि कालोस में भी ये लोग विग्लेटफ प्रेफर करते हैं, बट इसके पीछे एक स्टोरी है जिसके कारण अब वो लोग मतलब विग्लेटफ के कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं, इसलिए वो विग्लेटफ को प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो कालोस रीजन की बात है बहुत साल पहले, लाइक जब जर्नियस एवल्टल वाला केस हुआ था। तुम लोग आगे चल के कालोस रीजन में ये सब के बारे में जानोगे। तो एक्चुअली क्या था ना कि एक विग्लेटफ थी, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ था कि कालोस रीजन में ना काफ़ी सारे फ्लाइगॉन्स ने अटैक कर दिया था एक नर्स में, नर्स के ऊपर। तो उस वक्त जो है ना एक विग्लेटफ आई और अपने नर्स जॉय को बचा लिया काफ़ी सारे फ्लाइगॉन से। तो उस वक्त के विग्लेटफ को ये ऑफर मिला कि तुम एज अ नर्स काम कर सकते हो बाकी सारे चैंसी और ऑर्डिनो के साथ। इस वक्त अब वो कोई नर्स की असिस्टेंट नहीं बनी थी, वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, ठीक है? अब ऐसा क्या केस आया जिसके कारण उसको एक नर्स का असिस्टेंट बना दिया गया? लेट मी टेल यू, ये भी एक कालोस रीजन की काफ़ी पुरानी स्टोरी है जहाँ पे सेलेमेंस जो है ना एक नर्स पे अटैक कर देता है और गंदे तरीके से अटैक कर रहा होता है, लाइक फ्लेम थ्रोअर फेंके जा रहा होता है। तो वहाँ पे विग्लेटफ आती है और उस नर्स जॉय को बचा लेती है। बचाने के साथ साथ यार वो काफ़ी सारे पोकेमॉन को हील करती है क्योंकि उस वक्त जो सारे चैंसी थे ना वो सारे घायल हो चुके थे, तो बस एक विग्लेटफ जो थी यही वो हील कर पाई। तो इस वक्त के बाद क्या हुआ ना कि कालोस रीजन में सारे नर्स जो थे वो विग्लेटफ के काफ़ी ज़्यादा मेहरबान हो गए, तो इसलिए विग्लेटफ को ऐसा दर्जा दिया गया कि तुम नर्स जॉय के साथ असिस्टेंट बन के कालोस रीजन में काम कर सकती हो। डोंट वरी यार, मैं कोई खुद से कहानी नहीं बना रहा, बल्बापीडिया जो कि ऑफिशियल सोर्स है वहाँ पे भी शायद से तुम्हें कहानी मिल जाएगी, तो उसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं यार आर्कनाइन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसको स्विच कर दिया गया मैनेट्रिक के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूँ, इसके साथ चैंसी वाला कुछ केस नहीं है, इसका केस कुछ डिफरेंट है। तो चलो मैं बताता हूँ कि आखिरकार क्यों इसको मैनेट्रिक के साथ बाद में जाकर कालोस रीजन में स्विच कर दिया गया। तो देखो यार, इसके पीछे जो रीज़न था ना वो ये है कि कालोस रीजन में आर्कनाइन मिलते नहीं है। इट मीन्स अगर तुम कभी पोकेमॉन एक्स एंड वाई खेलोगे तो तुम्हें कभी भी आर्कनाइन से इंकाउंटर नहीं होगा क्योंकि कालोस रीजन में आर्कनाइन नहीं पाए जाते। इस कारण जो वहाँ पे ऑफिसर जेनी है ना वो मजबूरन थी आर्कनाइन को लेने के लिए। बट वेट अ सेकेंड,
बट मुझे कुछ और लगता है जो कि मैं तुम्हारे साथ बताना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों ने मैनेट्रिक को इसलिए स्विच किया ताकि वो मेगा मैनेट्रिक को प्रमोट कर सके, जो कि ऑफकोर्स एक मेगा इवोल्यूशन है मैनेट्रिक का, और उसकी फैन बेस को बढ़ा सके। एक केस दिखाता हूँ जहाँ पे एक नर्सजॉय के पास कालोस रीजन में विग्लिटफ को हटा के ऑडिनो दे दिया गया और उसको मेगा इवोल्यूशन दे दिया ताकि ऑडिनो के मेगा इवोल्यूशन को प्रमोट कर सके। ये चीज़ें आर्कनाइन के साथ काफ़ी बुरा हुआ, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक अनफेयर हुआ है उसके साथ, कि लिटरली यार तुम एक मेगा इवोल्यूशन के प्रमोशन के लिए तुम आर्कनाइन जैसे इतने वफादार पोकेमोन को हटा दे रहे हो। इवन अगर नर्सजॉय भी होती ना तो वो भी आर्कनाइन को ज़्यादा प्रेफर करती, क्योंकि आर्कनाइन काफ़ी हद तक मैनेट्रिक से काफ़ी अच्छा काम कर सकता है एज अ डॉग पोकेमोन, क्योंकि उसकी स्मेलिंग सेंस काफ़ी अच्छी है, जैसे जैसे पोकेडेक्स कहता है वैसे ही मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये दो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगी, मुझे खुद नहीं पता था, पता है जब पहली बार कालोस रीजन टीवी पे आया ना कुछ 4-5 दिन पहले, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया नर्सजॉय को देखकर, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना चाहिए एंड काफ़ी लोग को मज़ा भी आएगा। तो बताना तुम्हारी क्या ओपिनियन थे आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाओ चेक करो। एंड स्पेशली डिस्कॉर्ड तो जरूर चेक करो कि वहाँ पे मैं काफ़ी सारे गेम्स खेलता हूँ अपने मेंबर्स के साथ, तो तुम भी आ सकते हो, फ्री तो ज्वाइन है यार। और हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अपने ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसे कमाल के वीडियोस आएंगे इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करना एंड आज का पोकेगोज एंड आज के पोकेगोज विनर्स तुम्हारे सामने है। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमेशा की तरह, तब तक के लिए बाय बाय।